गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स, सब्जेक्ट आपका है हिंदी व्याकरण, बुक नेम है आपका स्टूडेंट्स कुटीर। ओके स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक। हम चैप्टर आपका चैप्टर सेकंड रीड कर रहे थे, आपका चैप्टर सेकंड रीड हो रहा था, हमने आपको यहाँ तक रीड करवा दिया था। ओके स्टूडेंट्स, आज हम स्वरों की मात्राओं के बारे में रीड करेंगे। ओके, टुडे डेट इज 17/5/2021। ओके स्टूडेंट्स, स्वरों की मात्राओं के बारे में आज हम रीड करेंगे। जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ किया जाता है, जब आपका स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ होता है, तो स्वरों को उनके असली रूप यानी आ, ई, उ आदि में नहीं लिखा जाता। जब हम स्वरों का प्रयोग व्यंजन के साथ करते हैं, तो हम तो उनको ये नहीं लिखते इनकी मात्राएं, बल्कि उनके चिन्हों को जोड़ा जाता है। तो उनकी चिन्ह क्या है आपकी, ये बड़ा की ये एक डंडा, ये आपकी मात्रा, ये इसका चिन्ह, छोटी की ये मात्रा, इसका चिन्ह है। तो हम उनको उसके मूल रूप में नहीं लिखा जाता है, उसकी चिन्हों को जोड़ा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, मात्रा किसे कहते हैं, स्वरों का बदला हुआ रूप आपका मात्रा कहलाता है। जब स्वरों का रूप बदलकर मात्रा में कन्वर्ट होता है आपका, जैसे छोटा की आपकी बड़ा की मात्रा आपकी ये हुई, तो जब आपकी ये बड़ा की मात्रा रा में लग जाएगी और माँ लिख जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, राम बन जाएगा। तो ये क्या हुई, ये मात्रा में कन्वर्ट हो गया, आपका ये मूल रूप नहीं लिखा गया, उसका ये चिन्ह लगाया गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जब हम स्वरों को व्यंजन जब हम स्वरों का प्रयोग व्यंजन के साथ करते, तो उसकी क्या मात्रा यानी चिन्ह का प्रयोग होता है, ना कि उसके मूल रूप का। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जब रा में बड़ा की मात्रा लगी, तो आपका बड़ा रा बन गया, तो क्या हो गया, राम। ये आपके बिना मात्रा के शब्द हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर रा और बड़ा की मात्रा लगी, तो ये भी आपका क्या बना, राम। ये आपका आ लगा, तो आपका यहाँ पे आ लिखा गया, और ये आपका वर्ड नहीं, बिना वर्ड के आपका सिर्फ मात्रा लगाया गया, तो राम में ये बड़ा की मात्रा प्लस माँ, तो क्या हुआ, राम। आप अगर ऐसे भी लिखेंगे तो भी आपका राम बनेगा, और ऐसे भी लिखेंगे तो भी आपका राम बनेगा, ये मात्रा के बिना और ये मात्रा के साथ। ओके स्टूडेंट्स, फिर आपका आता है स्वरों तथा उनकी मात्राएं। ये आपके स्वर दिए हुए, आ का कोई मात्रा नहीं होती, बड़ा की ये होती, छोटी की ये पीछे से मात्रा होती, बड़ी की आगे से, छोटा हो की ये, बड़ा हो की रे, ऋषि की ये, ए की एक मात्रा, आय की दो, ओ की एक डंडा एक मात्रा, और आओ की आपकी एक डंडा दो मात्राएं होती हैं। जिसी तरह का में हमने सेम कोई मात्रा नहीं लगेगी, फिर कल, काला, किला, कील, कुल, कूल, कृपा, केला, कैसा, कोट, कौन, ये आपके मात्रा लग गए। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके व्यंजन हुए, व्यंजनों में आपके स्वरों की मात्राएं लग गई। इसके बाद आपका आता है वर्ण विच्छेद। जब किसी शब्द में प्रयुक्त सभी वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है, तब उसे वर्ण विच्छेद कहा जाता है। क्या कर, जब प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है, तो उसमें क्या हो जाता है, वर्ण विच्छेद। जैसे आपका कोमल है, आप कोमल को हम वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे, का लिखा फिर ओ की मात्रा, तो का प्लस ओ आ जाएगा, फिर माँ, माँ में आ निकल रहा है, तो माँ प्लस आ जाएगा, फिर ला, ला में आ निकल रहा है, तो ला प्लस आ हो जाएगा। तो ये पूरा आपका क्या हो गया, कोमल। कृष्ण का, फिर ऋषि, क्योंकि का में ऋषि की मात्रा लगी ना, तो का प्लस ऋषि, फिर शा, तो आपका शा आ जाएगा, फिर शा में आड़ा निकल रहा है, तो आपका आड़ा आ जाएगा, फिर आड़ा में आ निकल रहा है, तो आपका आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका कृष्ण बन जाएगा। चांदनी, चा, आ में चांद बिंदी आ रही ना आपकी बड़ा में, तो चा में, फिर आ में चांद बिंदी, फिर दा, दा में आ निकला, ना में ई निकली, बड़ी की मात्रा लगी ना में, तो आपकी बड़ी ई निकली, तो आपकी चांदनी हो गई। द्वैत व्यंजन, किसी एक ही व्यंजन का एक साथ दो बार प्रयोग किया जाए और उसमें पहली बार व्यंजन स्वर के बिना आ रहा हो, उसे द्वैत व्यंजन कहते हैं। जैसे वक, च, त, जैसे का प्लस का, तो आपका क्या हुआ, मक्का, चक्की, शक्कर, दो बार आधा का और पूरा का आया ना, चक्की में भी, मक्का में भी, शक्कर में भी, च, तो बच्चा, कच्चा, सच्ची, फिर त, तो पत्ता, सत्तर, छत्ता, तो ये आपके क्या हुए, डबल डबल जो आते हैं वो द्वैत व्यंजन होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर आपका आता है नेक्स्ट र का प्रयोग।
जब रा के साथ कोई स्वर नहीं होता अर्थात वह स्वर रहित होता है तो वह अपने से अगले वर्ण के ऊपर लिखा जाता है जिसे रेफ कहते हैं। जैसे आपका रा प्लस मा तो आपका क्या हुआ रा रेफ, मा के ऊपर रा उड़ा, चर्म धर्म कर्म ये बना। रा से पहले जब कोई स्वर के बिना का व्यंजन आए तब रा उसके नीचे लगता है और उसका रूप इस प्रकार हो जाता है रा क्रा आपका नीचे लगा तो क्या हुआ क्रा चक्र, आपका प्र तो प्रकाश, दर तो समुद्र, जर तो जा के नीचे अलंत्रिका तो वज, सर स्रोत ये आपका बना। द तथा डा के साथ रा का रूप आपका नीचे हलंत होकर वर्ण के नीचे लगता है जैसे व्रज तो आपका क्या हुआ ड्रम ड्रामा ट्रक राष्ट्र। सा में जब रा लगता है रेफ जब आपका लगता है तो उसका रूप इस प्रकार हो जाता है श्रम श्रमिक। ओके फ्रेंड्स तो ये आपके क्या हुए रेफ वाले वर्ड्स हुए। ओके आपका ये चैप्टर कम्प्लीट हो गया, नेक्स्ट डे मैं आपको क्वेश्चन आंसर कम्प्लीट कराऊंगी और आपकी बुक भी कम्प्लीट कराऊंगी। ओके थैंक यू।